कुमार है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 BHK हाउस प्लान के बारे में। यदि इस हाउस प्लान के बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों, ताकि यह प्लान कैसा बना है वो आपको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए मोबाइल के स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पर एक 4 BHK हाउस प्लान है जिसमें 4 बेडरूम है और एक हॉल, एक डाइनिंग हॉल, और इसमें 3 बेडरूम में अटैच टॉयलेट है दोस्तों, और एक कॉमन टॉयलेट है, और एक पूजा रूम भी है और किचन है, किचन में एक स्टोर रूम है दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें एक पोर्च भी है और एक ऑफिस रूम है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं प्लान के रिव्यू के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन डोर है, मेन डोर से अपन इंटर करेंगे, अपन पहुँचेंगे पोर्च में दोस्तों। पोर्च का साइज है 3.9 मीटर × 4.3 मीटर। ठीक है दोस्तों, पोर्च से लगा हुआ एक यहाँ पर स्टेयर है दोस्तों, जिसका चौड़ाई है 2.2 मीटर और उसकी लंबाई है 1.1 मीटर। ठीक है दोस्तों, ताकि यहाँ से अपन सीधे छत में पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक बाहर से रोड से लगा हुआ एक ऑफिस रूम दिया गया है दोस्तों, जिसका साइज 3.8 मीटर × 2.2 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसमें 2 विंडो दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और अपन अब आगे चलते हैं दोस्तों। अपन पोर्च से इंटर करेंगे डायरेक्ट हॉल में। हॉल का साइज है 4.10 मीटर × 4.90 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हॉल से लगा हुआ एक यहाँ पर बेडरूम है, बेडरूम का साइज 3.90 मीटर × 4.20 मीटर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक विंडो दिया गया है बेडरूम में, और उसके बाद हॉल से लगा हुआ एक कॉमन टॉयलेट है दोस्तों, जिसका साइज 2.7 मीटर × 1.3 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें एक वेंटिलेशन दिया गया है। उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में एक और बेडरूम है दोस्तों, जिसका साइज 3.8 मीटर × 4.90 मीटर है दोस्तों, इसमें में भी एक विंडो दिया गया है, और इस बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट दिया गया है, जिसका साइज 2.4 मीटर × 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें एक वेंटिलेशन दिया गया है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं हॉल से डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल का साइज है 5.5 मीटर × 3.4 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह डाइनिंग हॉल से अपन चलेंगे दोस्तों, यहाँ किचन है, किचन का साइज है 2.4 मीटर × 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, और किचन से लगा हुआ एक स्टोर रूम है दोस्तों, जिसका साइज 1.5 मीटर × 1.6 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये इसका प्लेटफॉर्म है दोस्तों किचन में, और किचन से लगा हुआ एक बाहर डोर दिया गया है दोस्तों, ताकि बाहर जा सके, और यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, और स्टोर रूम में भी एक वेंटिलेशन दिया गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डाइनिंग हॉल से एक पूजा रूम दिया गया है, जिसका साइज 1.5 मीटर × 2.5 मीटर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं, ये राइट साइड में एक बेडरूम दिया गया है दोस्तों, जिसका साइज 3.9 मीटर × 3.6 मीटर, इसमें में भी एक विंडो दिया गया है दोस्तों, और इस बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट है, जिसका साइज 2.30 मीटर × 1.30 मीटर है दोस्तों, इसमें में भी एक वेंटिलेशन दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक वेंटिलेशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन चलते हैं डाइनिंग हॉल से एक और यहाँ पर बेडरूम है, जो आखिरी बेडरूम है, चौथा बेडरूम। ठीक है दोस्तों, इसका साइज है 3.8 मीटर × 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें में भी एक विंडो यहाँ दिया गया है, एक विंडो यहाँ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें एक अटैच टॉयलेट है दोस्तों, जिसका साइज है 2.4 मीटर × 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें में भी यहाँ पर एक वेंटिलेशन दिया गया है। इस प्रकार से इस
ड्राइंग को प्लान किया गया है दोस्तों। 4 BHK के अनुसार इसको डिजाइन किया गया है और इसमें काफ़ी अच्छा विंडो वेंटिलेशन और डोर का साइज काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का दिया गया है दोस्तों, ताकि अच्छा से पूरा इस प्लान में, इस प्लान से बना हुआ जो मकान रहेगा वो पूर्ण रूप से प्रकाशित रहेगा और एयर का सर्कुलेशन पूरा घर में बना रहेगा दोस्तों। ठीक है, बस दोस्तों यहीं तक आज के इस वीडियो में। यदि आपको प्लान अच्छा लगा तो आप इसे इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से 4 BHK प्लान आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। जब मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो करें लाइक, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।